स्मिथ ने अच्छी बैटिंग की अच्छा स्कोर किया उसके बाद भी कुछ टीम को सफलता नहीं मिल पाई माफ इस अच्छा अच्छा इसके बावजूद भी टीम हार गई आ, क्या लगता है आपको देखिए चेन्नई सुपर किंग्स का हारना या जीतना उनके लिए तो फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लगभग लगभग जो टीम है वो प्ले में जा चुकी है टॉप फोर में टीम अभी भी शामिल है दूसरे पायदान पर चेन्नई की टीम है दबाव उतना तो टीम पर नहीं था लेकिन लगातार ये चेन्नई सुपर किंग्स की कल की जो हार है वो दूसरी हार थी इससे पहले भी उन्हें जो की हार का मुंह देखना पड़ा था कल दूसरी हार थी लेकिन के के आर के लिए जो मस्ट विन गेम था वहां पर कहीं ना कहीं जो गौतम गंभीर और उनके जो टीम है उन्होंने मिलकर जो की गेम को जीता है और अब भी जो कि टूर्नामेंट में बरकरार रहने की उनमें ताकत है और वो जो है कि टक्कर देने के लिए अभी भी टूर्नामेंट में बने हुए हैं नितिन जी परवेज आपके पास आज के मैच को लेकर कुछ अपडेट्स है टॉस के या टीम में जो चेंजेस है उसके आ, आ, बारे में फिलहाल तो अभी टॉस नहीं हुआ है जैसे ही टॉस की कोई जानकारी आती है हम अब तक जरूर पहुंचाएंगे नितिन शुक्रिया परवेज आप बने रहिए हमारे साथ अबे सर आज की जो टीम है किंग्स इलेवन पंजाब और मुंबई इंडियंस तो इनमें मुंबई इंडियंस की तरफ जब देखा जाए तो रोहित शर्मा है लसिथ मलिंगा है हरभजन सिंह है और किंग्स एलेवन पंजाब की बात करते हैं तो वीरेंद्र सहवाग ये पट्टी के बैट्समैन जॉर्ज बेली और चेतेश्वर पुजारा डेविड मिलर ग्लेन मैक्सवेल ऋषि धवन मतलब जो मैं नाम पढ़ रहा हूँ वो सारे दिग्गज बैट्समैन हैं तो क्या लगता है कि आज के मैच में किसका पलड़ा भारी होगा देखिए ये तो मैच खेलेंगे मोहाली में है जी मोहाली में विकेट तो बहुत अच्छी बनेगी हुँ, हुँ. दो, दो विकेट्स है ये इंडिया में जहाँ पेस बोलर्स को और स्पिनर्स को दोनों मजा आता है जी। ये ये जो है ये विकेट बहुत उमदी है समझा कि नहीं मोहाली की और दूसरी ईडन गार्डन्स की कल भी देखिए कल भी कैसे रोमांचक मैच हुई बिल्कुल सर जैसे हम लोग ने प्रेडिक्ट किया था वैसे 160 तक आराम से होगा बिल्कुल और कल की कल के जो इसमें जो है ये 160 जो है जहाँ पे अच्छी टीम आउट होती है उनको आखिरी ओवर में जो है नितिन जी 20 पंद्रह बीस रन जो है ये शॉर्टेज हो जाते हार जाते हैं आज के मैच में देखिए ये जो किंग्स पंजाब की जो टीम है वो बहुत तगड़ी है अटैक जो है मुंबई इंडियंस का जैसे चाहिए वैसे नहीं है जी, जी। और उनके चार या फिर पांच अभी देखिए जैसे मुंबई इंडियंस ने एक लास्ट मैच या उसके पहले माइकल हसी को लाया जब माइकल हसी को लाया वो के, ओपनिंग, ओपनिंग के आसपास चले जाती यह, है यह, जैसे इनकी भी हुई फिर रहेगा क्या बिल्कुल फिर जो शकील वगैरह जो था इन्होंने मैच कल कलकत्ता नाइट राइडर्स के लिए ऐसे इनके पास पोलार्ड है रोहित शर्मा जो रन गेटर्स है अभी इनके एडिशन में अगर कोई रन करने वाला होगा तो क्या होगा कि जिसमें कंट्रीब्यूशन जो है 180, 160, 180 सिक्सटी आप फाइट कर सकते हो 180 के बाद में आप जीत का सोच सकते हो या फिर एक्स्ट्राडिनरी इसके अंदर जो है मलिंगा नहीं है जो जो लास्ट डेप्थ जो है जहाँ चेक करने का होता है यानी ये उन्नीस अठारह उन्नीस बीस जो है ये हर एक टीम का कोई भी चाहे बैट्समैन हो जी, जी, वो अटैक करता है बॉलिंग के ऊपर चाहे पेस बॉलर हो स्पिनर हो कोई भी हो अटैक करेगा यानी वही वही उसमें चालीस पचास रन या उसके ऊपर रन होते हैं आज मलिंगा नहीं यानी एक एक जो है वो फैक्टर बाजू हो जाता है समझे कि नहीं फिर दूसरी अच्छी स्ट्रेंथ जो है अगर आज लेते बॉलिंग में भी जी। और जो जो कंट्रीब्यूट कर सकता है ये जो करते ही हैं मगर है। ये होने के बाद में कम पड़ते हैं तो आप अच्छे ऐसे ऑलराउंडर्स को ऐड करिए ताकि ये जो आपका जी टीम का बैलेंस बना रहे हाँ सर इसी पॉइंट पे चलते हैं हमारे परवेज के पास परवेज क्या कुछ अपडेट आपके पास फिलहाल है आज की मैच को लेकर जी नितिन मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता है और गेंदबाजी का फैसला लिया है जी. और वहीं पर किंग्स इलेवन पंजाब को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है जिस तरह से हम लगातार इस बात पर चर्चा करते आ रहे हैं नितिन कि जो जो अंडर परफॉर्मेंस टीम जो अभी बॉटम में चल रही है जब जब वो टॉस जीत रही है जरूर जो गेंदबाजी का फैसला ले रही है अगर कल के एग्जांपल एग्जाम्पल अगर कल के उदाहरण की बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जो मैच खेला गया केर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया उन्होंने चेस करने का डिसीजन लिया था जिसे उन्होंने आसानी से चेस किया वहीं पर वही हालात आज भी देखने को मिल रहे हैं मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है और ये उनकी पूरी कोशिश हो कि जो भी स्कोर उन्हें किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से मिलता है वो उसे चेस करके मैच को अपने पक्ष में करे क्योंकि अगर बात करते हैं बल्लेबाजी की जरूर मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी में काफी उतार चढ़ाव है उनके परफॉर्मेंसेस को लेकर चाहे वो बॉलिंग हो बैटिंग हो फील्डिंग हो तमाम तरीके के बदलाव भी टीम में किए गए इससे पहले कई मैचेस में क्योंकि लगातार टीम को हार का सामना करना पड़ रहा था जो अगर बात करते किंग्स इलेवन पंजाब की ग्लेन मैक्सवेल है जॉन जॉर्ज बेली है वीरेंद्र सहवाग है जो ग्लेन मैक्सवेल एक ऐसे खिलाड़ी है जो फिलहाल आईपीएल के टॉप टेन बल्लेबाजों में आते हैं वहीं पर मुंबई इंडियंस की तरफ से कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो कि टॉप टेन में भी शामिल है बॉलिंग की तरफ से बात करते हैं जिस तरह से अभय सर ने भी बताया कि लसित मलिंगा आज नहीं खेल रहे हैं लेकिन लसित मलिंगा ही एकमात्र एक ऐसे बॉलर है जिन्होंने सोलह विकेट लेकर अभी जो कि आई की रैंकिंग में चौथे स्थान पर इस साल के सीजन में वो शामिल है वहीं पर किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से संदीप शर्मा जो कि 17 विकेट लेकर तीसरे पायदान पर मौजूद है तो एक तरफ से जो कि आंकड़ा भी जरूर किंग्स इलेवन पंजाब का भारी है लेकिन बहुत ही दबाव एक महासंग्राम आप इसे कह सकते हैं बहुत ही बड़ा दबाव मुंबई इंडियंस की टीम पर फिलहाल होगा लेकिन आज की जीत उन्हें किसी भी हाल में दर्ज करनी है अपने नाम आज करो या मरो की स्थिति आप कह सकते हैं क्योंकि अगर आज का मैच भी हारती है तो प्ले से से जरूर मुंबई की इंडियन की टीम बाहर हो जाएगी क्योंकि अभी एक एक आप कह सकते हैं कि उम्मीद एक आशा जगी हुई है कि अगर नेट रन रेट के हिसाब से अगर चला जाए तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस को एक चांस मिल सकता है लेकिन अगर आज का मैच उनके हाथ से निकलता है तो जरूर मुंबई इंडियंस की टीम है टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी नितिन लेकिन जो प्रथा है प्रचलित है कि हर टीम टॉस बनने के बाद बैटिंग लेती है ताकि बड़ा स्कोर खड़ा कर सके मुंबई इंडियंस ने ऐसा ना करते हुए बॉलिंग ली क्या आपको इसमें खतरा नहीं नजर आ रहा प्रवेश देखिए कैसा ऐसा एक रणनीति युद्ध एक स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है उतनी स्ट्रेंथ जो बैटिंग जो बल्लेबाज हैं जो खिलाड़ी उस टीम में मौजूद है फिलहाल उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं तो जरूर उन्हें एक सामने वाली टीम का जो अपोजिशन टीम है उनसे उन एक चीज उनके जान के लेनी उनसे जानना है कि आखिर ये कितना रन बना सकते हैं ताकि हम उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बना सके उसके अनुसार जो कि अपना मिडल ऑर्डर क्रम या फिर सलामी बल्लेबाज के चेंज कर सके तो एक ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी होती है वो टीम मैनेजमेंट टीम मैनेजमेंट तो इसमें दखल नहीं देगा लेकिन जो कोचेस हैं जो टीम के खिलाड़ी हैं उनके जो कप्तान हैं इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक अहम फैसला जो लिया है और ये चेस करने का उन्होंने फैसला लिया है नितिन शुक्रिया परवेज बने रहिए हमारे साथ और अपडेट हमको करते रहिए सर यहाँ मुंबई इंडियंस ने फील्डिंग का फैसला लिया है और बैटिंग जो है वो किंग्स एलेवन पंजाब को दी है

बराबर है आज वो जीते हारे उनमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है नंबर ऑन द कंट्री हाँ, की हाँ। है, दूसरी देखे देखे बात ये ये दूसरी बात ये है कि जैसे सहवाग सहवाग ने आज अगर अच्छा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया उसका कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छी बैटिंग में 72 हाईएस्ट है जी जी। अगर आज ये नहीं है देखिए जहीर खान भी नहीं है बॉलिंग जो है इतने एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकी नहीं है बॉम्बे इंडियंस की भले और बैटिंग भी करते हैं तो ये चार पांच जनी जो है इनके नाम के ऊपर ही ये स्कोर होता है और सिमिट हो जाती है टीम जी। जी। तो अगर बॉलिंग का यानी अगर ये पहले छह सात जन जो है ये बैट्समैन जो मैक्सवेल है मैक्सवेल जो है वो सब जगह सभी को फिक्स कर देता है आप गए उसकी और मिलर की जोड़ी है इनको देखो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन है समझे कि नहीं आप मानोगे नहीं आपको ताजुब होगा एक 19 बरस का लड़का समझा क्या नहीं ये पटेल समझा क्या नहीं जी जी समझा कि नहीं तो वो भी अगर रन करता है विकेट लेता है तो नेचुरली अंडर 19 का लड़का प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है वो तो उसको भी अगर वो भी स्कोर करता है लास्ट मैच में उसने किया अगर यानी कहने का मतलब ये बैटिंग की डेप्थ वगैरह देखो तो नेचुरली वह आज जो है फ्रेश विकेट मिल रही है उनको बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा फ्रेश लेग्स है फ्रेश है कहीं थके हुए नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं तो आराम से अगर अच्छ... देखो अब प्लान करके अगर करेंगे नहीं भाई आज हमको ये मैच जीतना ही है तो ये टीम के पास कैपेसिटी है जीतने की और मुझे लगता है कि किंग्स इलेवन पंजाब ज्यादा से ज्यादा टारगेट करेगी ज्यादा से ज्यादा स्कोर करेगी और आ, मुंबई इंडियंस को हराने की पूरी कोशिश कर कैपेसिटी है आपने आप, जी, जी, आप देखो 200 के ऊपर वो जा सकते हैं 231 रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनकी इन्होंने किया है और दूसरी बात अगर आज मैक्सवेल वगैरह जो चलता है जो सहवाग ने एक पचास क्रॉस किया और छोटी छोटी पार्टनरशिप जो है ना ये होनी चाहिए बिल्कुल सर अगर ये होगी तो अच्छा स्कोर होगा और अच्छा यानी 180 प्लस होगा तो बॉम्बे इंडियंस के लिए इतना आसान नहीं है सेकंड बैटिंग में बिल्कुल अभी दो विकेट का बिहेवियर कैसा है उसके ऊपर आधारित है है सर यहीं पर हम देखते हैं कि किस टीम की क्या पोजीशन चार्ट के के जरिए जरिए पॉइंट टेबल एक नजर डालते हैं पॉइंट टेबल पर यहां पर जो है किंग्स इलेवन पंजाब टॉप की पोजिशन पर बरकरार है ग्यारह मैच खेले है नौ जीती है जिसमें से दो हारी है और पॉइंट अठारह दूसरे नंबर पर है चेन्नई सुपर किंग्स जिसने 12 मैच खेले हैं, आठ जीते हैं उसमें से चार मैच सिर्फ हारी है और पॉइंट से 16. तीसरे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स की टीम है वो 12 मैच खेली है सात मैच जीती है पांच हारी है और पॉइंट है चौदह पांच चौथे नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स जो 12 मैच खेली है सात मैच जीते हैं पांच मैच हारी है और पॉइंट से चौदह उसके बाद आती है बारी पांचवें नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जो 12 मैच खेली है पांच जीती है सात हारी है और पॉइंट है दस सातवें नंबर पर मुंबई इंडियंस ग्यारह मैच खेली है उसमें से चार मैच जीती है केवल चार मैच जीती है और सात मैच हारी है पॉइंट से आठ और सबसे आखिर में दिल्ली डेयर डेविल्स जो बारह मैच खेलकर केवल दो मैच जीत पाई है अब तक और दस मैच हारी है और पॉइंट से केवल मात्र ओनली फोर पॉइंट्स तो यह है टीम की पोजीशन पॉइंट टेबल के हिसाब से सर आपको लगता है कि किंग्स इलेवन पंजाब आज मैक्सिमम कितना स्कोर कर पाएगी देखिए विकेट ऊपर है अगर विकेट बल्ला बल्ले के ऊपर अगर जो गेंद आती होगी तो फिर ये ये टीम जो है 180 एटी टू आराम से कर सकती है क्योंकि बैटिंग बगर, काफी है हाँ, इसका yes, और दूसरा क्या कॉन्ट्रीब्यूट होना जरूरी है जी जी समझे कि नहीं अकॉर्डिंग टू द द मेरिट ऑफ बॉल जैसे भाई जैसे इन लोग अगर कलकत्ता नाइट राइडर्स वगैरह जो है हंड्रेड की पार्टनरशिप कर सकते हैं इवन बॉम्बे इंडियंस कर सकते हैं अभी बॉलिंग इतनी है नहीं उसका एडवांटेज लेते और ये इनके जो किंग्स इलेवन के सभी प्लेयर्स जो है फॉर्म में इन फॉर्म में है Uh, समझा के नहीं तो अग, सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो ये स्कोर भी इनके लिए uh, बहुत uh, ये नहीं आसान जी, है आसान है कर सकेंगे आराम से कर सकेंगे 180 200 जो है तो मैच में मजा आएगा अगर ये मैच करके जीतते भी है तो फिर बॉम्बे इंडियंस को क्रेडिट देना होगा और तीनों के 10 10 अंक हो जाते हैं समझे के जी, नहीं जी। तो फिर फिर जो है वो और मजा आएगा लीग में जो है और एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि किंग्स इलेवन पंजाब के मोहाली में मैच हो रहा है तो वहां जाहिर है पब्लिक का सपोर्ट उनको मिलेगा डेफिनेटली और अब तक का जो रिकॉर्ड हम मुंबई इंडियंस का देखें तो काफी आ, लो परफॉर्मेंस है तो क्या इसका दबाव मानसिक दबाव मुंबई इंडियंस पर रहेगा दबाव तो होता ही है हर एक प्लेयर जो है हर एक चाहे वो कितना भी बड़ा प्लेयर होने दो समझा के नहीं वो दबाव आता है मगर लोग दिखा नहीं थे, दिखाते नहीं है जी, जी, पर प्लेयर अंदर का जो है समझा के नहीं इसीलिए तो एरर्स होते हैं ना मिस्टेक्स hmm. जो होते क्या हैं छूट जाती है या फिर एक्स्ट्रा मिल जाते yes, हैं मिस्टेक्स होते हैं और मिस्टेक ये ये मिस्टेकी में मिस्टेक mistake, मिस्टेक्स को कोई सहारा भी नहीं है माफी जी, नहीं जी, कुछ जी. नहीं आप गलती किया तो यू हैव टू फेस इट रिपेंड दूसरा कोई चारा नहीं है अभी कहने का मतलब ये है ये इनके पास में अगर जो जो कोई भी एक हाथ दो प्लेयर जो पेयर अगर लग गई तो फिर आपको यानी जो ऑडियंस आता है उनको भी मजा आएगा समझा क्या नहीं और अच्छा क्रिकेट जो है वो देखने मिलेगा दूसरी बात है ये इनका बॉम्बे इंडियंस का कैप्टन अपने जो लिमिटेड कैपेसिटी है समझा क्या नहीं वो हैंडल कैसे करता है उसके ऊपर ही है अगर अच्छी तरह से हैंडल किया रिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्ट करने के लिए समझा क्या नहीं चेंजेस वगैरह जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्यों ये मैक्सवेल वगैरह जो है पहले बॉल से समझा के नहीं जो चालू कर देते हैं वो फिर एक और दूसरी बात है एक हाथ दो शॉट्स उसके लग गए फिर रोक कोई नहीं पाता यानी रिस्क लेने जी, के जी, लिए जी, भी तैयार होते हैं यही चैलेंज होता है अपोजिट टीम के सामने कि घंटे से रोके जाए ऊपर हाँ, सहवाग समझा के नहीं सहवाग है फिर शर्मा है कोई भी जो आता है वो चालू ही कर देता है जी जी। यानी वो चालू हो गया देखिए पहले छह ओवर में अगर सिक्सटी इनको पचास साठ रन का हो गया या फिर अच्छी अस्सी सौ की साझेदारी हो पहले जी जी इसमें जी। तो आगे के लिए जब विकेट्स इंटैक्ट होते हैं जब आपके पास विकेट्स हैं फिर आप रिस्क ले सकते हो और रिस्क लेंगे तो रन भी हो जाएंगे आप समझे एक कोई जो है एक कोई अच्छा बैट्समैन ये ट्वेंटी ओवर्स देखा नहीं है अब ये फिलहाल ये आईपीएल सेवन में कहीं दिखता नहीं है सर जी हो हैं परवेश के साथ परवेज क्या कुछ आपके पास नए अपडेट्स है मैच को लेकर मैच को लेकर फिलहाल जो कि जिस तरह हमने आपको बताया कि टॉस तो हो चुका है बल्लेबाजी का जो गेंदबाजी का जो तो फैसला है मुंबई इंडियंस ने लिया है अब देखने वाली बात यह है कि आगे किस तरह से जो मुंबई इंडियंस की टीम फील्ड पर उतरती है और क्या कुछ नया कर दिखाती है क्योंकि अब तक जो कि ग्यारह मैच खेले हैं कोई खास कामयाबी तो टीम को नहीं मिली सिर्फ तीन मैच में जो कि जीत दर्ज अपने नाम पर कर पाई है मुंबई इंडियंस की टीम जाहिर सी बात है जिस तरह अभी आपने जिक्र किया था कि मानसिक दबाव तो जरूर होगा मुंबई इंडियंस पर रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं किरण पोलाड अभी कुछ लाइन में ऐसे दिख रहे हैं कि वो जरूर कुछ बड़ा स्कोर पिछले दो तीन मैचों मैचेस में उन्होंने अच्छा किया है लेकिन सबसे बड़ा जो इस यहाँ पर जो सवाल होगा वो है जहीर खान और लसित मलिंगा की नामौजूदगी क्योंकि जहीर खान जो कि चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं वैसे ही, ही, ही है। है। लसित मलिंगा भी जो कि फ़िलहाल आज के मैच से भी बाहर है तो ज़रूर एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है मुंबई इंडियंस की टीम के लिए मुंबई इंडियंस टीम के लिए कि आखिर ये बीस ओवर की जो पूरी बॉलिंग है कौन करेगा और कैसे करेगा कुछ ऐसे बॉलर से सभी जिस तरह से अभय सर ने भी बताया कि सभी प्लेयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होना जरूरी

किंग्स इलेवन पंजाब साल जो पी आईपीएल का रिकॉर्ड किया है हैं अब देखना है उन्होंने 200 का आंकड़ा पार किया है 205 206 रन बनाए और सौ अस्सी एक सौ का आंकड़ा जो है मैं समझता हूँ कि आज जरूर इतने ये आंकड़ों को जरूर छुएंगे परवेज आपके बातों से मुझे एक गंध आ रही है की आप फेवर किंग्स इलेवन पंजाब को ही करना चाहते हैं कर रहे हैं। क्या आप? सही है, बिल्कुल। है कि की जो टीम है, उनकी पंजाब के पास के साथ चलूं क्योंकि ऐसा एक ऐसा लगता है की उनकी इस तरह की परफॉर्मेंस अगर जारी रहती है तो जरूर इस साल के चैंपियन भी वो बन सकते हैं नितिन लेकिन हमने हौसला अफजाई भी करनी चाहिए मुंबई इंडियंस की क्या कहेंगे आप जी मैंने कहा कि हमने हौसला अफजाई भी करनी चाहिए मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करना चाहिए इसमें बिल्कुल क्या? करनी चाहिए बिल्कुल करनी चाहिए नितिन क्योंकि जी. लेकिन आ, समय काफी जा चुका है काफी अपॉर्चुनिटीज मौके मुंबई टीम को मिली ऐसा नहीं है कि उन्हें मौके नहीं मिले हैं काफी बदलाव किए काफी रणनीतियां बनी आ, हर, कुछ, हर कुछ हर हर कोई मतलब ये चाहता था कि मुंबई इंडियंस एक 2013 के जो है इस साल भी जो ये चाहत तो हर मुंबई करके है कि मुंबई ही कुछ भी हो जाए चमत्कार हो जाए लेकिन मुंबई जीते ये वर्ल्ड कप लेकिन अब देखते हैं क्या होता है आगे शुक्रिया तो परवेज तो हमारे साथ जुड़ने का सर आप कितना स्कोर अभी एक्सपेक्ट करते हैं और क्या किससे फेवर करते हैं आप किस फिल्म को टीम को जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा उसको मैं फेवर करता हूं और जो जो हम अपनी चर्चा हुई है जो जी, क्रिकेट जी, देखा है जी समझा कि नहीं तो जो क्रिकेट जिन्होंने दिया है जो आनंद दिया है समझे क्या नहीं एक बुढ़ा भी जवान होगा ऐसे क्रिकेट इन्होंने खेला है हाँ। समझा कि नहीं दवा भी लेने भी की, की भी जरूरत नहीं।, नहीं सिर्फ क्रिकेट देखोग देखोगे आप तो भी ठीक ठाक आपकी एनर्जी भरा होता हाँ आपकी जो तबीयत जो है वो सुधर जाएगी ऐसे क्रिकेट इन्होंने दिया है तो नेचुरली दूसरी बात यह है आज देखिए अनफॉर्चुनेटली अभी जो हसी को उन्होंने प, अभी निकाला है वो अगर पहले निकालते तो अच्छा हो जाता है जैसे देखिए अगर सैमी जब कैप्टन बन जाता है और धवन शेखर धवन को उन्होंने मैनेजमेंट ने चेंज किया वैसे रोहित शर्मा को सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं यानी जो सिलोन की टी ट्वेंटी समझा के नहीं जो ही, जीता ही, ही, ही। वो मलिंगा को थोड़ा थोड़ा पीरियड के लिए भी देते और थोड़ी उसका से, अगर थोड़ी उसका लक्ष्य अगर मैच जीत लेते जी, जी, तो और अच्छा हो जाता मगर जो जो हुआ हुआ है सो हुआ है है सो जी जी ये सब पहले होना चाहिए था नहीं हो गया चलो बैड देर आए दुरुस्त आए सर इसी नोट पर हम आज के प्रोग्राम का एंड करते हैं परवेज बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का और सर आपका भी बेहद शुक्रिया दोस्तों दर्शकों आप मैच का मजा लीजिए और फिर मुलाकात होगी दो कल दोपहर साढ़े तीन बजे तब तक के लिए नमस्कार